दोस्तों, मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडिजी इंस्टीट्यूट दिल्ली। दिस इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2001, ऑलमोस्ट 19 इयर्स। पिछले 19 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां से आईईएस में और गेट में अच्छे रैंक्स के साथ सेलेक्ट होकर के गए हैं। हम लोग हमेशा टॉपर स्टॉक करते आए हैं और आज का ये टॉपर स्टॉक है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 टॉपर्स के लिए। तो अभी अभी रिजल्ट आया है पिछले एक हफ्ते पहले, और जिनके रैंक्स बहुत इंप्रेसिव हैं, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी। तो जो भी रैंकर्स हैं, इनका एक अपना लाइफ स्टाइल होता है, पढ़ाई कर से मतलब अपार्ट फ्रॉम दी कॉलेज या अपार्ट फ्रॉम दी क्लासेस, इनकी सेल्फ स्टडी का क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सोर्स ऑफ स्टडी क्या होता था, टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, और अपनी पर्सनल लाइफ को, हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को पढ़ाई के साथ कैसे बैलेंस करना है, इन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से एक गाइडलाइन मिलेगा। सो आई विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑल दी रैंकर्स प्रेजेंट हियर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम गौरव गुप्ता। गौरव हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 22 एंड इट वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। गौरव की गेट 2019 में भी ऑल इंडिया रैंक 213 थी। Gaurav was a classroom course student in MedEG who joined the weekend batch, and then he joined next time rank improvement batch, and he joined mains batch and interview guidance program. Gaurav belonged to Alwar, Rajasthan, और इन्होंने BTech किया है NIT Kurukshetra से। तो Gaurav, first of all, congratulations. And second person with me is Mr. Chirag Goyal. Chirag, congratulations. Chirag has secured All India rank 42. And it was his first attempt. In GATE 2019, Chirag had secured 829th rank. And he was classroom course student of Delhi batch. He joined F batch. And then he joined mains batch also, an interview program. Chirag has done his BTech from NIT Hamirpur, Himachal Pradesh. And Chirag also belonged to Alwar, Rajasthan. So, ye bhi Rajasthan ke hi rehne wale hain. Dono Alwar ke rehne wale hain. And Chirag is again electrical engineer. And the third person with me is Mr. Prateek Yadav. Prateek, congratulations. Prateek has secured All India rank 65 and it was his second attempt and engineering services 2019. His course in MedEG was the mains classroom course. He joined the mains classroom course. He joined the postal course. He joined the interview program and he joined the test series also. Chirag, Prateek is also from NIT Allahabad. तो ये भी NIT के ही हैं, एंड प्रतीक बिलोंग टू धौलपुर, राजस्थान। तो तीनों लोग, पहली बात तो आप राजस्थान के हैं, और दूसरी कॉमन है कि तीनों लोग क्लासरूम कोर्स में मेरे जी भी रहे हैं, और तीनों की ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। सो दिस इज द ब्रीफ प्रोफाइल, एंड लेट अस टॉक टू द जर्नी ऑफ देयर सेलेक्शन। तो सक्सेस जर्नी में सबसे पहले मैं गौरव आपसे सवाल लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि एनआईटी कुरुक्षेत्र में तो काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, तो पहली बार आपने किस सेमेस्टर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी? सर, आफ्टर सेकंड ईयर आई थॉट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हाउ टू प्रिपेयर। आई कॉन्टेक्टेड माई सीनियर्स, माई बैचमेट्स, सो देन आई स्टार्टेड माई वीकेंड बैच इन थर्ड ईयर। तो कॉलेज में आप कुरुक्षेत्रा से दिल्ली वीकेंड बैच अटेंड करने सैटरडे संडे ट्रैवल करके आते थे? यस सर, हर फ्राइडे हम सर शाम को कुरुक्षेत्रा से और ट्रेन से आते थे यहाँ पे, और फिर सैटरडे और संडे को क्लास लेके और फिर संडे शाम को वापस चले आते थे। तो जर्नी आपकी 6 to 7 hours अप एंड 6 to 7 hours डाउन हो जाती होगी? यस सर, अराउंड 4 to 5 hours। 4 to 5 hours, मतलब इन टोटल 6-7 hours लग ही जाते हैं और क्लासरूम सेंटर तक पहुँचने में अपने घर से स्टार्ट करने के बाद। तो देखिए, जहाँ कमिटमेंट होता है ना, वहाँ पर फिर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र को साउथ दिल्ली से कम 150 किलोमीटर होगा लगभग, अप एंड डाउन करना और क्लासेस करना, इट इज रियली इंस्पायरिंग। सेकंड सवाल मैं ले रहा हूँ चिराग आपसे, कि चिराग आपने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक किया है, और हमीरपुर हिमाचल प्रदेश इज समथिंग वेरी पीसफुल काम प्लेस, वहाँ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट था या यू वॉज अलोन, आपने कंपटीशन की तैयारी करी? सर, वहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, बट सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग, बट एट अंटिल दैट टाइम आई वाज नॉट इन द मूड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। इट वाज आफ्टर जॉइनिंग माय जॉब इन जुलाई, देन आई डिसाइडेड
after going there that this is not the place for me where I want to work. So job satisfaction नहीं था. नहीं था सर और posting भी बहुत remote थी तो after 1 month of job I decided to leave and in August I joined MedEasy. In August 1st week I joined F batch of MedEasy. Right. Prateek, you are from NIT Allahabad and वहाँ तो competitive environment I believe is good. सर अगर मैं लेक्चरर की बात करूँ तो मेनली लोग सिविल वाले वहाँ पे बहुत हैं सर. जब मैं फाइनली में था तो मैंने सुना था 100 में से 18 लोग NIT इलाहाबाद. सौम्या पांडे आई थिंक सी वाज फ्रॉम द NIT इलाहाबाद सिविल सर्विसेज में फोर्थ रैंक था तो कहीं ना कहीं वो पुश तो होगा. वो है लेकिन सर सिविल वालों का थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग का. अच्छा सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे उनका ज्यादा है. इलेक्ट्रिकल का सच क्या लोग सर डाइवर्ट हो जाते हैं कि प्लेसमेंट भी लेना है या फिर कुछ लोग आईटी सेक्टर में भी जाते हैं तो उतना वो नहीं है. लेकिन अब जैसे जैसे निकल रहे हैं तो सर शायद थोड़ा बहुत बढ़ रहा है. उस वक्त नहीं था सर अभी हो रहा है. एक सवाल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में होता है कि डिसीजन टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज इज बाय डिफॉल्ट और बाय चॉइस. बाय डिफॉल्ट इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, उनके पास कोई जॉब नहीं होता तो वो सोचते हैं लेट अस स्टार्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन. और बाय चॉइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मे बी कि आपने बाकी जॉब्स को छोड़ के या उनको दरकिनार करके एंड देन यू डिसाइडेड टू कम एंड प्रिपेयर हियर. तो गौरव आपका क्या केस था? सर एक्चुअली सर मैं कॉलेज में सर जो पी एस यूज आए थे एक दो उनके मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा था बट वहाँ पे मेरा हुआ नहीं. तो उसके बाद प्रिपरेशन का सर माइंड सेट पहले से ई एस ई के लिए था. तो सर फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन किया था तो उसके बाद सर मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया सर. देन आई टुक अनदर चांस बाय ज्वाइनिंग रैंक इंप्रूवमेंट बैच. तो सर उसमें फिर सर सर डिफॉल्ट भी चॉइस जो डिफॉल्ट भी होता है चॉइस भी प्रेफरेंस भी था और डिफॉल्ट भी था. अच्छा जॉब भी नहीं मिला और एसी की तैयारी करने भी तैयारी करनी थी तो सर ओके. एंड चिराग इन योर केस सर इन माय आपने तो जॉब छोड़ा है. जॉब छोड़कर ही मैं आया था तो इट इज बाय चॉइस. बट initially I was a gate aspirant. I was not an engineering services aspirant but it was after joining MedEasy that I realized that I can do as I have to cover the 2 months syllabus also which I तो आपने engineering services की discovery MedEasy join करने के बाद बात की कि मैं ये कर सकता हूँ. then I went on right. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूँ प्रतीक कि जब आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की तो प्रिपरेशन में सबसे पहले टेक्निकल की तरफ फोकस किया या नॉन टेक की तरफ या दोनों को पैरेलल लेके चले? सर मैं मेरा केस भी यही था कि मैं जॉब छोड़ के आया था 15 नवंबर को. मेरे पास केवल 45-50 डेज थे 2017 में पास आउट हूँ. तो सर उस वक्त तो मेरे पास था नहीं, मेरे को ईएस के जीएस के सिलेबस के नाम तक नहीं, सब्जेक्ट्स के नाम तक नहीं पता थे. बट मेरे कुछ दोस्त हैं तैयारी कर रहे थे तो उनकी हेल्प से मैंने कुछ कवर करना शुरू किया, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया और मैं फाइनली कवर पहुंचते पहुंचते फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू तक पहुंच गया था सर. वो गिरते पड़ते जैसे भी था बट सर ये था कि मैंने दोनों पे फोकस किया था, टेक्निकल पे भी और जीएस पे भी सर. तो बेसिकली यही था क्योंकि लेकिन बट उतना नहीं था, मैंने फोकस दोनों पे किया और जरूरी भी है सर. चिराग आपने स्टार्टिंग टेक्निकल से की? हाँ सर मैंने पहले टेक्निकल से स्टार्ट किया. तो गेट पहले था तो आई वाज डूइंग माय क्लासेस आल्सो एंड बैकअप क्लासेस इन अदर बैचेस आल्सो टू कवर. सो इनिशियली आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन टेक्निकल पार्ट. लेटर आई स्टार्टेड द but I did not left any MedEasy class, like I have not skipped any class. Gaurav aapne jitne bhi subjects hain electrical ke unme se agar pure subjects mein se dekhen ki ye zyada important hain aur ye kam hain to wo kon kon se subjects zyada important hai ES point of view se? Sir actually sir ES mein kya hai sir bahut vast syllabus hai. So sir first of all sir hame koi aisa subject jo hai left out nahi karna chahiye koi ki is subject mein se question nahi aayenge to prepare na kare. To sab subject means important hai but some subjects are rather more important like core subjects like machines, power system, power tonics. So these subjects are the main means sir electrical core subjects. So inki preparation sir main hoti hai. Baaki sir subjects sare padhe the maine. Padhna to sabhi padhe hain kyunki engineering services is all about study the entire syllabus. Yes sir. Aur koi subjects mein sir kabhi zyada question kabhi kam to chance nahi le sakte. Haan chance nahi le sakte. Right. Aur ek aur important part hai. एक तो ज्यादा और कम तो ठीक है लेकिन किस सब्जेक्ट से इजी आ जाएंगे किससे डिफिकल्ट आ जाएंगे ये भी कोई फिक्स नहीं है. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में ना कवरेज पूरा होना एडवाइजेबल है. चिराग आपने जब अपनी प्रिपरेशन की तो आपका जो फोकस सोर्स ऑफ स्टडी रहा उस सोर्स ऑफ स्टडी पे क्या रहा? सर इनिशियली आई स्टिक टू द MedEasy क्लासरूम एंड क्लास नोट्स. देन
as I covered the syllabus, I started making my own short notes and I prepared a separate notebook for test series also, like what are the mistakes I'm making during the test series. I wrote them down, and that was only my source of study. I studied from that only, and apart from that, previous year questions were really helpful. So Prateek, kitne dino ke previous year question kar lene chahiye, kitne saalon ke? सर एक्चुअली अगर मेरे पास जैसा मेरा केस था इनिशियली जो मेरे पास 45-50 दिन थे प्री के लिए, तो सर मैंने पहले टारगेट किया कि पहले 7-8 साल तक का मैं कर लूँ, क्योंकि अगर वो हो जाएगा अब मेरे पास टाइम बचता है तो मैं पुराना जाऊँगा. क्योंकि सर क्या होता है, कई बार क्वेश्चन और टॉपिक्स चेंज हो रहे होते हैं और ट्रेंड भी चेंज हो रहा होता है, ये मैंने नोटिस किया है. तो जैसे आप अगर वो मतलब नहीं, अगर मैं 2001 का लगाऊं या 2002 का लगाऊं, कि मैं 2010 के बाद जाओ. जी सर, स्टार्ट फ्रॉम लेटेस्ट एंड गो टू द प्रीवियस. यस सर. तो मैंने फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, जैसे मशीन्स हुआ या वो सब हुआ, उनमें मैं सर पूरा लगाता था, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स को मैं अवॉइड कर दिया करता था. ओके जी सर. दूसरा एक और भी कर सकते हैं कि जब जैसे समय कम हो, प्रीवियस ईयर के ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि हर चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसमें से जो इजी हो उनको आप छोड़ दो, जो थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट हो या थोड़ा वैरायटी वाइज डिफरेंट हो उनको आप सॉल्व कर लो. तो दैट आल्सो कैन बी अ चॉइस. टाइम मैनेजमेंट इज वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि हम सेल्फ स्टडी के टाइम मैनेजमेंट पे चर्चा करें कि आप लोग कैसे टाइम मैनेज करते थे, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, रूम में कितने घंटे कैसे पढ़ना चाहिए, अब रात में कितने घंटे तक पढ़ाई करना बेटर है, किस तरह का आपका रिविजन प्लान होना चाहिए. तो कैन वी स्टार्ट द गौरव फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट. सर फर्स्ट सर मैं जब तैयारी करता था तो सर मैंने सर सिटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था कि मैं लॉन्ग सिटिंग दे सकूँ. तो सर स्टार्टिंग में सर सुबह सर 8 or 9 के अराउंड स्टार्ट करता था. और सर वो सर फर्स्ट सिटिंग जो होती थी सर सबसे लंबी सिटिंग होती थी. उसके बाद सर लेट नाइट में सर पढ़ता ही था जनरली सर अराउंड 11 or 12 आई यूज टू स्लीप. बट सर फ्रीक्वेंटली सर 2 to 3 आप में 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं सर उसके लिए, ताकि वो माइंड फ्रेश. तो आप लॉन्ग स्पेल 2 to 2.5 घंटे तक पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर लेते थे सेल्फ स्टडी में? यस सर. सर सुबह तो सर 4-4 घंटे सर कॉन्सेंट्रेट कर लेते थे. चिराग सर मेरा केस भी लगभग ऐसा ही है कि मैं भी मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो लोग लेट नाइट तक पढ़ते थे, पर मैं लाइक 11, 12, 12 बजे तक सो जाता था, सुबह उठ जाता था मैं 7 बजे तक. तो इंजीनियरिंग लाइफ में 11-12 बजे तो कुछ है ही नहीं है, तो शुरुआत ही होती है 11-12 बजे से वो कॉलेज लाइफ की. सर यहाँ आकर थोड़ा चेंज किया मैंने रियलाइज किया कि मैं पहले रात को ही पढ़ता था, पर मैंने रियलाइज किया कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है एफिशिएंसी अपने आप डाउन होती जाती है. इसकी जगह अगर हम उस टाइम को सुबह यूटिलाइज करें तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग. प्रतीक आपका क्या प्लान होता था? सर मेरा प्रीलिम्स जब सर्दियां हो करती थी तो मैं क्या करता था, लेट नाइट तक पढ़ता था क्योंकि सुबह उठा नहीं जाता था. तो मैं 2-3 बजे तक पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे उठ के फिर वापस पढ़ता था. अच्छा. और बीच में ब्रेक लेता था, और मुझे सर म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है तो मैं वो भी कर लिया बीच में वो सब रहता है. रूम पार्टनर के साथ में थे या आप सिंगल रूम में थे? सर मैं रूम पार्टनर के साथ ही था. हाँ, तो फिर हेडफोन लगा के आप पढ़ते होंगे और वो सो रहे होंगे, टेबल लैंप लगा के आप पढ़ाई कर रहे होंगे. मुझे याद है वो समय 1994-95 जो IIT JEE की मैं तैयारी कर रहा था, तो हम लोग मद्रास में प्रिपरेशन कर रहे थे. तो मेरे जो रूममेट थे वो जल्दी सोते थे, मैं लेट सोता था, और उस समय तो हेडफोन भी नहीं होता था. मेरा बहुत मन करता था कि मैं म्यूजिक से हूँ, तो मैं पढ़ाई करके थोड़ी देर बाहर निकलता था, दूसरे कॉमन रूम में आता था डाइनिंग रूम में, और वहाँ पे थोड़ा गाने सुनता था, फिर वापस रूम में चला जाता था. तो कई बार ना अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए हम थोड़ा छोटा ब्रेक ले लेते हैं और वी कैन गेट बैक. उस समय तो टेलीफोन भी नहीं था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी खैर हमारे टाइम में कि टेलीफोन का जो डिस्टर्बेंस है व्हाट्सएप का या फेसबुक का ये सब कुछ नहीं था. बट इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि हमें इनको कैसे कंट्रोल करना है. तो टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. इट डजंट मैटर कि आप लेट इवनिंग पढ़ते हैं या अर्ली मॉर्निंग, यू आर यूनिक एंड योर यूनिकनेस शुड बी द क्वालिटी ऑफ योर प्रिपरेशन. तो आपको लगता है कि अगर लेट नाइट पढ़ सकते हो तो गो अहेड, इट इज योर चॉइस, राइट. तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसी को कि जैसे सेल्फ स्टडी में दो तरह के हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, एक तो अभी क्लास में कवर नहीं हुए हैं और एक जो हो चुके हैं. तो रिवीजन साथ में लेकर के चलते थे या अभी फोकस उस पर होता था जो क्लास में चल रहा है, पहले उसी को फोकस करो? सर जो मैंने रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन किया था तो सर मेरा मेन फोकस जो था वो ये था कि सर शेड्यूल बना हो. तो सर जो रैंक इंप्रूवमेंट बैच होता था वो सर शाम को 5 to 9 होता था. तो सर सुबह में जो प्रिपेयर करता था और जो क्लास जो होती थी सर वो दोनों सर सिंक्रोनिज्म में चलते थे मेरे दोनों. जो क्लास में पढ़ाया जाता उसी को मैं सर सुबह
रिवाइज कर लेता था, तो सर ताकि दोनों कंसेंसस में चलें तो प्रिपेयर करने में सर प्रॉब्लम नहीं होती थी सर, जो भी एग्जाम होंगे या फिर कुछ भी हो सर दोनों बराबर चलते थे सर। सर मेरा केस ऐसे था कि मैं तो क्लासरूम प्रोग्राम था, तो मतलब जैसे जैसे टाइम क्लोज आता गया क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ती गई, तो मेरा फोकस वही था कि एक बार पूरा सिलेबस मैं खत्म कर लूँ देन आई विल स्टार्ट द रिवीजन। मतलब कि कोशिश यही रहती थी कि अब रिवीजन साथ में चले, पर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि क्लासेस की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मेरा एम यही होता था जो क्लासेस में चल रहा है वो मैं पढ़ लूँ और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं वो साथ के साथ लगाते हैं हाँ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें मुश्किल आ रही है उनको मार्क करके रखो, जिससे कि एंड टाइम में जब आपको रिवीजन करना हो तो सारा ना पढ़ना पड़े, जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मुझे दोबारा से देखने पड़े। प्रतीक, जब मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो गए प्रीलिम्स में, तो उस मेंस के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी कि कितने सालों के मेंस के सवाल किए और मेंस के क्वेश्चंस को वैरायटी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल के लिए क्या सोर्स ऑफ स्टडी फॉलो किया? सर सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पूरा मैंने लगाया था उस वक्त, और ना केवल ESE का सर बल्कि मेंस का सिविल सर्विसेज का भी सर मैंने फॉलो किया था। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैं बोलूँगा, क्योंकि आप ये राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, प्लस उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। जैसे जो मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, मैंने यही गलती करी कि मैंने टेस्ट सीरीज को बहुत थोड़ा कैजुअल ले लिया सर, और लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मैंने ऐसा नहीं किया, उसको एनालिसिस सही से किया तो वो बेटर रिजल्ट दिया सर। तो गौरव आप कुछ कमेंट करोगे टेस्ट सीरीज पर? सर आई थिंक सर टेस्ट सीरीज जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। तो सर जो जैसे मेंस के लिए सर मेंस में सर लिखना और सर वो क्वेश्चन करना सबको आता है सर, वो जो प्रेजेंटेशन और सर जो गिवन जो एरिया है जो जगह है उसमें लिखना और उस टाइम में लिखना तो सर वो जरूरी है, और एक्यूरेसी भी चाहिए सर, अगर मिस्टेक हो जाती है तो सर कटिंग के बाद वो जगह नहीं होगी। तो सर मेरे फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, जो मेन का एग्जाम था एक्चुअल एग्जाम में मेरे साथ काफ़ी जगह में सर मिस्टेक कर गया सर, मैंने स्पेस चेक नहीं किया और उसके बाद सर वो मैं पूरा नहीं कर पाया या फिर कटिंग्स हो गई, तो सर स्पीड भी एक प्रॉब्लम थी। सर टेस्ट सीरीज से सर ये हो जाता है कि सर वो एक पूरा जो प्रोसेस जो भी आपने पढ़ाया उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, लिखना कैसे, क्वेश्चन सेलेक्ट करने, ये भी एक प्रैक्टिस होती है सर, क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करना। राइट चिराग आप पहले आप अपनी बात रखें, फिर मैं टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सर बाकी सब तो इन्होंने बता दिया, एक बात ये है इसमें कि हमें हैबिट नहीं होती कि हम 6 घंटे पेपर लिख सके, तो टेस्ट सीरीज हमें इस उस मतलब हमारी बॉडी को एडजस्ट करती है, स्टैमिना को भी चेक करती है। आप 6 घंटे बैठ पा रहे हो लगा मतलब 2 घंटे ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे का पेपर देना, तो उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी तो आपको आता होगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे कुछ केसेस में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था, उसके अलावा ये भी होता था कि सर क्वेश्चंस तो हमारे पास 5 ही करने होते थे बट 3 क्वेश्चंस रह जाते थे, तो उन 3 क्वेश्चंस का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं में वो क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एक्चुअल वैल्यू एडिशन तो वहीं से होगा क्योंकि अभी तो आप वो चीजें लिख रहे हो जो आपको आती हैं, जो नहीं आती हैं वो आप छोड़ रहे हो, और जो आप छोड़ रहे हो अगर वो एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, तो इसलिए उसको जा करके एनालिसिस करके उनको पढ़ना जरूरी है। और जो टेस्ट आप देते हो ना, उन टेस्ट के आंसर क्वेश्चंस में जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, जो ट्रिकी थे या गलत कर दिए, उनको आप मार्क करके रखो, उनके सॉल्यूशंस को आप अंडरलाइन करके रखो, ताकि एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार उनको आप ना रिव्यू करके चले जाओ। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी अगर सवाल रिपीट हो गया तो वो फिर गलती ना हो, और खास करके उस समय कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि अगर टेस्ट सीरीज में आया हुआ सवाल और कहीं सिमिलर या सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये तो मैंने किया था, ये मुझे आता है एंड आई कैन डू इट। ऐसा हुआ होता है मतलब कई बार हम लोगों ने देखा है मेंस में, तो खास करके देखा है कि टेस्ट बहुत रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में भी रिपीट होते हैं। और एक और बात जो आप लोगों ने कही थी कि एक ना हमें एग्जाम स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है, कि फाइनल एग्जाम में हम क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करेंगे और आंसर लिखते समय उस आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे या उसको पैराग्राफिक लिखेंगे, इसका एक जजमेंट, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस को इवॉल्व करना पड़ता है, और ये इवोल्यूशन एक बार में नहीं होता। तो जब कई सारे टेस्ट आप लिखते हो तो हर टेस्ट में लर्निंग होती जाती है कि मुझे बेस्ट स्कोर करने के लिए मुझे क्या प्रोसेस अपनाना है, तो उस प्रोसेस को इवॉल्व करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत यूजफुल है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ स्टडी की, जैसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो कॉमन सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी मोर और लेस मैचिंग है, तो क्या आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के
इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल या माइक्रो प्रोसेसर या एनालॉग या ईएमटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या या सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही फोकस किया? सर मैंने सर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सर प्रीलिम्स के में और सर मेंस के लिए मैंने सर सिविल सर्विसेज की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व किए वो भी किए। चिराग आपने? सर मैंने सभी सब्जेक्ट्स के तो मैंने नहीं किए थे पर कुछ सब्जेक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे जैसे एनालॉग हो गया ईएमटी हो गया तो उसके मैंने इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चंस किए थे बट बाकी जो डिजिटल है माइक्रो प्रोसेसर है इन सब में मैंने सिर्फ अपना इलेक्ट्रिकल के ही किए थे। एंड व्हाट अबाउट प्रतीक? सर मेरा भी यही केस था कि एनालॉग और डिजिटल और नेटवर्क कंट्रोल इन सब का थोड़ा बना 5 साल तक ही लगाया था सर मतलब लेकिन लगाया बट एटलीस्ट आपने पुराने छात्रों के कॉमन कुछ किया कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस या वैरायटी तो मिल ही जाती है और अल्टीमेटली एग्जाम में आप जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। सर सोर्स ऑफ स्टडी के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक्स की कितनी जरूरत है या क्लास नोट से काम हो जाता है? क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस टेस्ट सीरीज क्या इससे सफिशिएंट हो जाता है या हमें टेक्स्ट बुक की जरूरत है तो कौन अगर है तो कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी है? सर आई बिलीव कि जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये सब मिलाकर सफिशिएंट है। अगर ये सब आप अच्छे से कर पा रहे हो ना तो आप कहीं नहीं रुकोगे आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा ये मैं मानता हूँ। तो मैंने एज सच कभी किसी चीज के लिए कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं फॉलो की बस मेंस के टाइम पर कुछ वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैंने फॉलो की थी अदरवाइज फॉर कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन क्लास नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। ओके तो आप लोगों का क्या था? सर मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है सर मेरा क्या था कि कुछ सब्जेक्ट जैसे होते हैं जैसे मशीन इलेक्ट्रिक मशीन्स हुआ या पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ तो उनके लिए सर कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको फॉलो करना ठीक रहता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस डायरेक्टली उसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो पावर सिस्टम के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो की? सर नागराथ कोठारी। हां सर। एंड मशीन सर भीमराव और मेमरा। यस सर। ओके एंड गौरव यू हैव फॉलोड एनी टेक्स्ट बुक? यस सर एक्चुअली सर मेरा सर प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी सर प्रीलिम्स के लिए सर जो क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज और पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स हैं इन पर फोकस था सफिशिएंट होते हैं मेरे हिसाब से बट सर मेंस के लिए सर कुछ थोड़ी डेप्थ रिक्वायर्ड होती है सर क्वेश्चंस की और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी चाहिए होती है सर उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया था और सर उनके क्वेश्चंस लगाए थे तो ताकि मेंस की वर्कबुक आपने फॉलो की थी? यस सर। कैसे थे क्वेश्चंस उसमें? सर उसमें सही क्वेश्चन थे सर मतलब जो रिक्वायर्ड होते हैं एग्जाम के लिए वो सफिशिएंटली उसमें किए। अब हम आते हैं कि स्टूडेंट्स कई बार ना सोशल मीडिया में अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं और नोइंगली और अननोइंगली हमें पता नहीं लगता लेकिन एक एक घंटे निकल जाते हैं। कई बार हम अपनी फेसबुक को सर्व करने के लिए घुसते हैं और 5 मिनट का मन था लेकिन वो स्क्रॉल करते 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 और कहीं और पहुंच जाते हैं पता चला फेसबुक से यूट्यूब में चले गए कहीं ऐसा वीडियो का लिंक मिल जाता है कुछ हो गया। तो लास्ट मोमेंट जब 30-40 डेज बचे हों या 1 महीना 2 महीने बचे हों उस स्टेज में सोशल मीडिया से कितना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए आप लोगों ने कैसे फॉलो किया अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आई थिंक जो अभी ongoing, college ongoing students हैं उनको भी थोड़ा help मिलेगी preparation। सर जैसे मेरा केस था तो मेरा क्या था फेसबुक तो मैं कंट्रोल मैनर में चलाता था कि हर संडे को टेस्ट देके आना है और संडे को चलाना है बस वीकली था और व्हाट्सएप जो था सर वो रेगुलर में यूज करता था क्योंकि क्या है कभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह भेजने हो लोगों के तो जिंदगी जीने का माध्यम बन गया व्हाट्सएप जिसका अगर एक दिन व्हाट्सएप नहीं चलता है ना उसको नींद नहीं आती है। ऐसा मेरे केस में भी था कि मुझे ऑलमोस्ट व्हाट्सएप तो मैं रेगुलर था सर मैंने तो जब मैं दिल्ली आया था उस टाइम से फेसबुक और व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर लिया व्हाट्सएप भी हाँ मैं दोनों मैंने व्हाट्सएप मेंस एग्जाम जब हो गया 1 जुलाई को दोबारा से इंस्टॉल किया अपने फोन में। अच्छा तब तक मैं दूर था तो आपने काफी डिसिप्लिन रखा हाँ मतलब अगर ये गलत नहीं है चलाना बट मेरे से डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है मुझसे कंट्रोल नहीं होता मतलब पहले जब कॉलेज टाइम में थे तो सारा दिन वही चलता था तो फिर मैंने सोचा वैसे तो कंट्रोल नहीं होगा तो इसको डीएक्टिवेट ही कर दो। एंड गौरव सर फेसबुक तो सर मैंने चलाया नहीं सर पिछले 4-5 साल से चलाना बंद कर दिया था सर व्हाट्सएप फिर भी चलाता था सर लेकिन सर सोशल मीडिया से ज्यादा मेरा सर सर्कल सोशल सर्कल में ज्यादा मतलब यहाँ पे जो फ्रेंड्स थे तो सर जब भी अगर लाइट मूड के लिए या फिर पढ़ाई से बोर हो जाते हैं तो कुछ तो सर हम फिजिकल इंटरेक्शन विद द फ्रेंड्स इज बेटर देन द वर्चुअल इंटरेक्शन तो सर मेरा प्रेफरेंस जनरली उसमें था। दोस्तों देखो एक तो बात तय है कि जितना कम से कम सोशल मीडिया का यूज हो एग्जाम के कुछ समय पहले उतना करिए।
अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर करके इसमें रह सकते हैं प्रेजेंस में तो फाइन, अदरवाइज बेटर है कि 30-60 डेज या 50 डेज के लिए आप अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना लें। दूसरा, जब बात रही अपने आप को अपडेट करने का और अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, तो फिजिकल इंटरेक्शन अच्छा, अगर आपका सर्किल है तो सोशल सर्किल अच्छा होगा तो दैट इज ऑल्सो एडवाइजेबल। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं कि इंटरव्यू की जब बारी आती है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब नाउ इट इज द टाइम टू फाइनली परफॉर्म थ्रू द वर्बल एक्सप्रेशन। एंड इंटरव्यू इज नॉट इंटरव्यू, इट इज बेसिकली अ पर्सनालिटी टेस्ट जहां पर सारी चीजें चेक होती हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन आपने किन किन चीजों पर फोकस किया और कैसे प्रिपरेशन की, कितने दिन तैयारी की और फाइनली इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो गौरव स्टार्ट। सर एक्चुअली सर जो प्रिपरेशन के लिए सर जो मैंने मेडिजी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था सर, तो सर जितना मैंने और पिछले लास्ट ईयर जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था उनसे भी मैंने पूछा, तो सब ने कहा था कि डेफ जो होता है वो अराउंड मतलब 20-30% उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बाकी जो टेक्निकल होता है वो मेनली सर जो आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर उसमें सर एप्लीकेशन बेस्ड, दे आर फोकसिंग ऑन मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो सर उसके लिए मैंने एप्लीकेशन बेस्ड जो टॉपिक होता था उस पे तैयारी की थी सर। जो थ्योरी है, डेफ बेस्ड क्या सवाल पूछे गए थे आप सर? वो एक्चुअली प्रिपरेशन की थी मैंने डेफ बेस्ड की, लेकिन सर जो इंटरव्यू में था वो डेफ बेस्ड सर मुझसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए थे सर। जो पूरा इंटरव्यू था वो पूरा टेक्निकल चला। चिराग आपका इंटरव्यू कैसा चला? सर मेरे केस में भी डेफ से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड था की, और जो पावर और एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट के न्यू रिफॉर्म्स आ रहे रिगार्डिंग सोलर, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड, इन पर ज्यादा बेस था। और कुछ इंटरव्यू का पार्ट ऐसा था कि उन्होंने मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस दिए आपको कि आपने आप यहाँ पर गए जैसे डेफ में से कुछ जगह निकाली, तो आपको एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा कि हो सकता है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसपे आपको ऑन स्पॉट सोचना पड़ेगा, ओपिनियन बेस्ड हो गए। और प्रतीक आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा दो बार इंटरव्यू रहा, दोनों बार ही अनएक्सपेक्टेड अलग अलग लाइन पे चला है। पहली बार जब हुआ तो दोनों बार बीएससी सर थे पैनल में, तो पहली बार जब चला तो वो करंट अफेयर, सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन सब वो सब चला और मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे पावर सेक्टर जैसे चिराग और गौरव ने बताया। बट दूसरी बार जो इस बार हुआ सर वो बोर्ड वही था, पैनल वसी सर का ही था, लेकिन इस बार सर मेरा एक्चुअली क्या एक हॉबी थी मिमिक्री सर, तो मैं मेरे से कुछ नहीं पूछा, पहला ही क्वेश्चन ये था कि कैन डू मिमिक्री, तो मैंने बोला यस सर आई कैन, तो उन्होंने मुझसे खड़े होकर सर 6-7 मिनट मिमिक्री करा ली, तो मेरा टाइम वहीं निकल गया। तो मिमिक्री किसकी कराई सर, आपने किसकी की? सर मैंने कुछ फ्यू एक्टर्स बॉलीवुड एक्टर लाइक एक आध दो मिमिक्री करके बताइए अभी थोड़ा डिफरेंट मूड है। सर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, केवल टेक्निकल चला। खुश थे वो मिमिक्री से? हाँ बोलते हैं सर व्हाई डोंट यू गो टू मुंबई, ये सब था, थोड़ा अच्छा था, बाकी कुछ फिर टेक्निकल पोर्शन चला था मेनली। तो देखिए कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है इंटरव्यू की, इनसे टेक्निकल ज्यादा पूछा है, इनसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पूछे, इनसे डेप्थ से रिलेटेड मिमिक्री जो इनकी हॉबी थी उससे क्वेश्चन, वो भी 6-7 मिनट्स आप बता रहे हैं, तो 6-7 मिनट्स तो सब्सटेंशियल टाइम है, क्योंकि 25-30 मिनट का इंटरव्यू होता है, अगर आपका 25% अगर आपकी हॉबी में चला जाए। तो अगर मैं जस्ट पूछूं कि आपको कितने मार्क्स मिले थे? सर मेरा 124 स्कोर था। 124 एंड हाईएस्ट वाज 146, तो इट वाज अ वेरी गुड स्कोर। एंड आपको चिराग कितने मार्क्स? 124। आपको भी 124? आपको सर आई स्कोर 104 सर। 104 टू बीस पे गायब हो गया तो कोई बात नहीं, बट रैंक सबसे ज्यादा अच्छी तो आपकी आई है, तो आपका रिटन स्कोर अच्छा रहा होगा। यस सर, मेंस सर, मेंस का अच्छा रहा। तो दोस्तों देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 फेजेस, और ये 3 फेज होती है, प्रीलिम्स की फेज है, मेंस की फेज है और इंटरव्यू फेज है। अगर किसी एक फेज में अगर आपका कोई एक पेपर थोड़ा सा भी अगर एवरेज से कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस 3 फेजेस, एडवांटेज आप कह सकते हो। जबकि गेट एग्जाम में सिंगल एक ही पेपर होता है, एक ही स्टेज होती है, और अगर बाय चांस अगर उस दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपके पास ओवरकम करने के लिए फिर कोई मौका नहीं होता। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें क्यू कैप मिलता है, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलती है, उस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में एक फिक्स स्पेस होता है हर क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन उसी में प्रिंटेड होता है। अगर उस फिक्स स्पेस में अगर आपको आंसर करना है तो आपका आंसर वेल थॉट होना चाहिए, पहले से माइंड मैप्ड होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इतने स्पेस में कितना लिखना है,
और उसके हिसाब से ही आपका आंसर या फिर आपके जो फंड साइज है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम डेवलप कर पाते हैं, एक बार में नहीं होता। तो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना और टेस्ट सीरीज में अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना ये बहुत जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखिए। और दूसरा क्या है, इंटरव्यू एज ऑल दी एस्पिरेंट्स इन्होंने बताया कि इंटरव्यू में कुछ फिक्स नहीं होता है कि इसी लाइन पर होगा, हो सकता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पूछ ले, हो सकता है टेक्निकल पूछ ले, हो सकता है हॉबीज पूछ ले, तो आपको प्रिपेयर करके तो पूरा जाना होता है। तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इज नीडेड, बट इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्सनालिटी टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपके आईक्यू लेवल का टेस्टिंग होती है कि आप आंसर्स को आंसर कैसे करते हो। अगर आप 100% क्वेश्चंस नहीं भी आंसर कर पाते हो, 80% भी नहीं कर पाते हो, तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव गिवन वेरी कॉन्फिडेंट आंसर्स। So this was the discussion on the Topper's Talk with the Gourav Gupta, All India Rank 22. Then second is Chirag Goyal, All India Rank 42. And Prateek Yadav, All India Rank 65. ये तीनों electrical engineer हैं और तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं. All three have been the part of the MEDIGI in classroom courses. इस साल 2019 engineering services में top 10 में सभी ब्रांचेस में 10 आउट ऑफ टॉप 10 आर मेडिजी स्टूडेंट्स, उनमें से 40 में से 32 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। टॉप 20 में 20+20+20+20+80 में से चारों ब्रांचेस में 78 मेडिजी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 63 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह फाइनल सिलेक्शंस जो हुए हैं, 494 वैकेंसीज का रिजल्ट आया है, उसमें से 464 मेडिजी स्टूडेंट्स हैं, विच इज मोर देन 94%। 464 में से 363 क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, विच इज नियर अबाउट द 68-69%। तो मेडिजी की जो पार्टिसिपेशन है इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो बहुत ही रिमार्केबल है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज हैपनिंग सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट, इफ यू वांट एनी सपोर्ट फ्रॉम अस, डू नॉट हेजिटेट, यू कैन लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट। फॉर 2021 वी आर स्टार्टिंग द बैचेस फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी एंड ऑल्सो इन समर, and the admissions will be open from 14th of November. So once again, congratulations and thank you, Gaurav. Thank you. And thank you, Chirag. Thank you, sir. And thank you, Prateek. Thank you, sir. Thank you.